तुम तो बहुत जल्दी आ गए। कहाँ है वो पेशेंट? कौन सा पेशेंट? यहाँ तो कोई भी नहीं, सिर्फ मैं हूँ। मैंने तो फोन पर कहा कि इमरजेंसी है, कोई मरीज मरने की हालत तक पहुँच गया। वो तो मैंने ऐसे ही कर दिया। क्या ऐसे ही फोन कर दिया बिना किसी बात के? क्या करती हूँ, बैठे बैठे बोर हो रही थी, फोन के पास मनोहर का नंबर लिखा हुआ था, डायल कर दिया। रत्ना, इस तरह का मजाक मैं पसंद नहीं करता। अगर सीधे सीधे कहती तो क्या आ जाते तुम? आज मैं मनोहर को कुंती के बारे में सच सच बताने वाला था, अपने सर से इतना बड़ा बोझ उतारने वाला था, लेकिन तुमने इतनी जल्दी क्या है कुंती के बारे में सब कुछ बताने की? अच्छा हुआ जो तुमने अभी उसे कुछ नहीं बताया, अपनी इज्जत बचा ली। बिना कुछ जाने समझे कुंती के जेवर वगैरह बनाने की तैयारी कर रहा है, शादी की पूरी तैयारी में लगा है। तो करने दो ना उसे तैयारी, इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है? ये पागल हो गई है क्या? मनोहर को ऐसे धोखे में नहीं रख सकता मैं। सुनो तो, तुम्हारे यहाँ से निकलते ही मेरे दिमाग में ये आइडिया आया था। तुम अपना आइडिया अपने पास रखो। तुमने यहाँ बुलाकर मुझे ठीक नहीं किया। मेरी बात तो सुनो, मुझको लगता है कि मनोहर ऑस्ट्रेलिया से शादी के लिए बहुत सारे पैसे लेकर के आया है। तो तुम्हारी नजर उसके पैसों तक भी पहुंच गई? मैं ये चाहती हूँ कि उसे पूरी तैयारी करने दो, वो कुंती के नाम पे जो गहने कपड़े बनवाना चाहता है बनवाने दो, जब शादी का मौका आएगा तो इनकार कर देना। चला, मेरी अपनी आत्मा अपना जमीर नहीं है क्या? ये आत्मा और जमीर के चक्कर में तुम अपनी इज्जत तो बचा नहीं पाओगे। जब इज्जत का तमाशा बनना ही है तो उसकी थोड़ी सी कीमत वसूल लो। मतलब ये कि मनोहर कुंती के नाम पे जो गहने कपड़े देता है वो ले लो, बाद में हम उसे मन की पत्नी को दे दें। मन की भी शादी करनी है ना? मुझे पता नहीं था तुम इतनी गिरी हुई औरत हो। अब पता चल गया ना, तो उठा क्यों नहीं लेते? हेलो। हेलो, मनोहर है क्या? जी आप कौन बोल रहे हैं? मैं गजेंद्र बोल रहा हूँ, मनोहर को बुलाओ। साहब तो सुबह सुबह घर से निकल गए। निकल गए? कहाँ गए? जी एयरपोर्ट गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से मेम साहब और योगेश भाई आ रहे हैं, उन्हीं को लेने गए हैं। तो वो लोग आज आ रहे हैं? जी आप एक घंटे बाद फोन कीजिए, सब आपको मिल जाएंगे। सामने कैसे कह पाऊंगा कि कुंती कहां है? इतने दिनों तक झूठ बोलता रहा, अपने मुंह से कैसे कहूंगा कि सच्चाई क्या है? नहीं, इतना सांस नहीं है मुझमें। चिट्ठी लिखकर मनोहर को पकड़ा देता हूं। नमस्ते। आओ भैया। रामू गाड़ी सामान से निकाला।
बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी घर पे नहीं है क्या? नहीं, वो अमरनाथ की यात्रा पर गई है। क्या बाबा, आप इतने दिनों से घर में अकेले थे क्या? अरे भाई, तेरी शादी की तैयारियां करनी थी और शादी ब्याह का मामला ऐसा नहीं होता, बहुत झंझट का काम होता है। इसलिए कह रही थी कि सब साथ में चलते हैं, पर तुम्हें ही अकेले आने की पड़ी थी। पर मैंने सोचा था कि तुम्हारे आने से पहले कुछ तैयारियां तो कर लूं। क्या तैयारियां कर ली आपने? भाई मैंने तैयारियां बस सभी कर ली हैं, सिर्फ तुम्हारे होने वाली बहू कुंती गायब है। क्या कुंती लापता है? हम वहां से शादी के लिए यहां पहुंचे और हमारी होने वाली बहू ही लापता? लेकिन पापा, आपने तो कहा था कुंती आपके बहुत पुराने दोस्त की बेटी है। क्या गजेंद्र भाई साहब भी यहाँ नहीं है? नहीं, वो तो यही है, कुंती नहीं है। तो गजेंद्र भाई साहब हमें एयरपोर्ट पर लेने क्यों नहीं आए? ऑस्ट्रेलिया से निकलते समय मैं तो सोच रही थी कि यहाँ आकर सबसे पहले मैं कुंती से मिलूंगी। कितनी छोटी थी तब मैं उसे मिली थी, मुश्किल से 7-8 साल की होगी। कितनी प्यारी प्यारी बातें करती थी वो। हाँ, अब तो वो सब हमारे लिए एक खुशनुमा यादें बनकर रह गई। मैं आपका मतलब नहीं समझा बाबा। मतलब बेटे, वो बच्ची तो नहीं रह गई ना, बहुत बड़ी हो गई है वो। हमारे लिए वो बहू बनकर भी बच्ची ही रहेगी। जब वो बहू बनकर हमारे घर में आएगी तो हमारा आंगन खुशियों से भर जाएगा। आप सबसे पहले कुंती को बुलाओ, मैं उसे मिलना चाहती हूँ। हाँ बाबा, उसे भी बुला लेंगे। आप पहले तुम लोग गजन से तो बात करो। पापा, कोई ऐसी बात तो नहीं जो आप हमें बताना नहीं चाहते? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हेलो, क्या यार गजेंद्र, तू अभी तक घर पे ही बैठा हुआ है? हाँ, फिर कहाँ होना चाहिए मुझे? अरे तुझे तो फूलों का गुलदस्ता लेकर के एयरपोर्ट आ जाना चाहिए था, तू तो आया नहीं, तेरी सारी जिम्मेदारी मुझे निभानी पड़ी। अरे वो लोग आ गए क्या? हाँ, अरे भाई उन्हें तो आना ही था, तुम्हारे स्वागत के बगैर भी वो लोग आ गए और आते ही तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। लो, अपनी होने वाली समदन और दावा, मेरा मतलब है कि अपनी भाभी से योगेश से बात करो। हेलो, नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी जी, आप कैसी हैं? बस ठीक हूँ, एयरपोर्ट पर आपको न पाकर थोड़ा अजीब लगा। आई एम सॉरी, सॉरी भाभी जी, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। और भाई साहब, मैं ये क्या सुन रही हूँ, कुंती कहाँ है? कहाँ भेज दिया आपने उसे? मैं उसे देखना चाहती हूँ, उसे देखे बरसों हो गए। आप लोग आ गए हैं तो कुंती की खुशखबर भी मिल ही जाएगी आपको। भाई साहब, आप अपने आप को अकेला मत समझिए, कुंती हमारे लिए बहु बाद में बेटी पहले है, हम उसे पलकों पर बिठा कर रखेंगे जी। और योगेश भी आपसे बात करना चाहता है, लीजिए बात कीजिए। ले बेटा। हेलो, नमस्कार अंकल। नमस्ते बेटे, कैसे हो? आपका आशीर्वाद है अंकल, आई एम फाइन। वैसे ऑस्ट्रेलिया में हर समय आपके बारे में ही बातें हुआ करती थी, पापा आपकी बहुत तारीफ करते हैं अंकल। बेटे मैं इतनी तारीफ के काबिल नहीं हूँ। अभी तो मिलने पर ही पता चलेगा। कब आ रहे हैं आप? अब बेटे तुम लोग ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आ गए हो तो फिर मैं भाग कर कहाँ जाऊंगा। ओके ओके, बाय देन, सी यू अंकल, बाय। ओके बेटा। भाई तुम लोग थोड़ी देर आराम करना चाहोगे? हम लोग यहाँ आराम करने नहीं आए, सबसे पहले मैं कुंती को मिलना चाहती हूँ। जब तक मैं कुंती को नहीं मिलूंगी मुझे चैन नहीं आएगा। और योगेश भी कुंती को मिलना चाहता है, उससे बात करना चाहता है वो। ठीक है, मैं आज ही तुम लोगों को कुंती से मिलाऊंगा। जो काम गजेंद्र ने नहीं किया वो मैं करूंगा। क्या हुआ, तुम लोग रुक क्यों गए? ये आप हमें कहाँ लेकर आ गए हैं? अभी चलो तो सही। पापा ये जगह है क्या? ये महिला नवजीवन आश्रम है। लेकिन आप हमें कुंती को मिलाने लाए हैं ना, तो ये आश्रम में लेकर क्यों चले आए? तुम चलो तो मेरे साथ, तुम्हें अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। प्लीज आप बताइए ना, बात क्या है? अब मुझे घबराहट सी हो रही है।
सही बात है पापा, आपने कुंती को एक मिस्ट्री बना के रख दिया है। कुंती क्या इस आश्रम में रहती है? तुम लोग कुंती से मिलना चाहते हो ना? हाँ। तो कोई सवाल मत करो, बस चुपचाप मेरे साथ आओ। बेटी सरला जी कहाँ हूँ? आप लोग ऑफिस में बैठिए, मैं सरला दीदी को खबर करती हूँ। बैठो। शीला, तुमने सरला दीदी को देखा? हाँ, क्यों? उनसे ना कुछ लोग मिलने आए हुए हैं। अच्छा अच्छा, वो रसोई घर में है? ठीक है, मैं उनसे बोल देती हूँ। ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते। 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 बैठिए ना। जी। सरला जी, ये मेरी पत्नी कविता और बेटा योगेश। हेलो। आज सुबह ऑस्ट्रेलिया से आते ही इन लोगों ने कुंती से मिलने की जिद की, तो मैं इन लोगों को लेकर यहाँ चला आया। सला जी, आपके बारे में इनसे मुझे काफी बात सुन चुकी हूँ मैं, और आपको तो पता ही है हम यहाँ योगेश और कुंती की शादी के लिए आए। हाँ, मनोहर ने मुझे बताया था, लेकिन आप लोग कुंती के बारे में? नहीं, मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया, बस इन्हें कुंती से मिलवाने के लिए यहाँ लेकर आ गया। आखिर बात क्या है, आप लोग हमें कुछ बताते क्यों नहीं? कविता जी, इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और ही है। कितने सालों से मैं सपना देख रही थी कि वो दिन कब आएगा जब कुंती मेरी बहू बनकर हमारे घर में कदम रखेगी। कविता जी, आपके सपने की हकीकत कुछ और ही है। मैं कुंती को बुलाती हूँ, उसे देखकर आप खुद समझ जाएंगे। रमा, रमा। जी सरला दीदी। जाओ, जाकर कुंती से कहो मैंने तुरंत यहां बुलाया है। जी दीदी। कुंती, यहां आओ, मेरे पास आओ। ये मेरी पत्नी कविता। नमस्ते। और ये मेरा बेटा योगेश। ये मेरी कुंती नहीं है, ये मेरी कुंती हो ही नहीं सकती। जिस कुंती का चेहरा बरसों से मेरे दिलो दिमाग पर छाया हुआ था, ये वो कुंती नहीं है। सच कहा आपने, मैं आपकी कुंती नहीं हूं। आपकी कुंती तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन वो कुंवारी मां बनी थी। क्या ये सब क्या हो रहा है माँ? आपने मुझसे क्या क्या कहा था माँ? कुंती की तो याद तक मेरे दिल में नहीं थी। आप ही ने उसकी सुंदरता का इतना ज्यादा बखान किया था कि मैं शादी के लिए भी तैयार हो गया था। कुंती, ये सब क्या है? क्या गजेंद्र भाई साहब इसीलिए हमें मिलने नहीं आए? तुम इस आश्रम तक कैसे पहुंची? मेरी बदनसीबी, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती। तुम्हें साल में देखकर मुझे तकलीफ हो रही है। बताओ कुंती, आखिर हुआ क्या तुम्हारे साथ? कविता जी, इस वक्त ये कुछ नहीं बता पाएगी। मैं आपको बताती हूं क्या हुआ इसके साथ।
नमस्कार साहब। नमस्कार साहब, लोग तो घर पर नहीं है। कहाँ गए? मालूम नहीं, वो मेम साहब और योगेश भैया आए हैं ना, उनको लेकर कहीं गए हैं। अच्छा, ये काम करना, जब वो आए तो ये चिट्ठी उनको दे देना। जी सर। अच्छा हाँ सुनो, ये चिट्ठी मनोहर जी के हाथ में ही देना, याद से। ठीक है सर। थैंक यू। और इस तरह कुंती अपना घर छोड़कर आश्रम में आ गई और यही उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। आपको तो सब पता था ना, तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? क्या बताता? मैंने सोचा तुम्हें दुख होगा इसलिए। अब तो हम सब जान गए ना, अब मेरे दुख का क्या कोई इलाज है? मैंने अपने बेटे की जिंदगी की तस्वीर जो कुंती को लेकर बनाई थी वो अब कभी पूरी नहीं होगी। आंटी, मेरी किस्मत में शायद आपकी बहू बनना लिखा ही नहीं था। वहां ऑस्ट्रेलिया में मैं सबको बताकर आई थी कि मैं अपनी बहू लेने जा रही हूं। उन्हें मैं क्या जवाब दूंगी? कविता जी, वो कहते हैं ना कि रिश्ते भगवान के यहां तय होकर आते हैं, इसमें इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। कविता, तुम्हें तो कुंती की तारीफ करनी चाहिए कि उसमें इतना साहस तो है, इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने अपनी सच्चाई को हमसे नहीं छुपाया। और एक वो गजेंद्र है जो मुझसे मुंह छुपाता फिर रहा है। पापा, अगर आप ये सब बातें पहले ही हमें बता देते तो ऑस्ट्रेलिया से इतनी दूर हमें आना ही नहीं पड़ता। बेटा, हमें ये सब देखना सुनना जो था, लेकिन आज के बाद मैं कभी सपना देखने की गलती नहीं करूंगी। आंटी, मैं नहीं तो क्या, आप योगेश की शादी का सपना पूरा कर सकती हैं। लेकिन बेटा, मेरी इन तमन्नाओं, उन ख्वाहिशों का क्या होगा जो सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए सोचा था? आंटी, मेरी ख्वाहिशें भी तो अधूरी रह गई हैं। हाँ बेटा, हम दोनों ही आधे अधूरे रह गए। न तेरा सपना पूरा हुआ, मेरा।